अदानी पोर्ट्स पे व्यू देना भी ठीक नहीं है, नाम में अदानी है, कभी भी चल सकता है। तो हम देखें अदानी पोर्ट अच्छा है, अभी इसका भी पैटर्न ठीक है, और मैं इसको आपको सिर्फ प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से ही बताऊंगा। ओके, थोड़ा स्ट्रेच्ड है, पॉसिबिलिटी है थोड़े कूल ऑफ की। कितना है, 1260, 1200 की तरफ पॉसिबिलिटी है कूल ऑफ की, हो सकता है, ना नहीं करता मैं। लेकिन आपके पास बिल्कुल क्लियर मार्कर है 1100 का, उसके नीचे जब तक नहीं जाता है ये स्कैलप पैटर्न, इसको एक राउंड और ऊपर लेके जाएगा, और हो सकता है कि ये करीब करीब 1400 के तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। आपके पास कैवियट सिंपल है, 1100 इज द रिस्क कंटेनमेंट लेवल। जी, तो फिलहाल अभी इन दोनों शेयरों पे अगर फंडामेंटल्स पे आप कमेंट बहुत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा वैल्यूएशन के लिहाज से देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही जैसे काम में हैं, तो एक जगह आपको कितना वैल्यूएशन मिल रहा है JSW पे, लगभग 64 के आसपास का, 63-64 का है, और अदानी पोर्ट्स कितना है, 31 का है, जबकि अदानी ग्रुप के शेयर जो है वो स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशन के लिए जाने जाते रहे। तो यहाँ पे मामला एकदम उल्टा है, JSW का वैल्यूएशन दोगुना है, दोगुने से ज्यादा है। थोड़ा अलग समझिएगा राजीव जी, देखिए पोर्ट और शिपिंग ऐसा सेक्टर है ना जिसमें जेस्टेशन पीरियड 8-10 साल का होता है, बहुत लंबा होता है। आप उसमें बहुत हाई वैल्यूएशन उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जहाँ पे जेस्टेशन उतना लंबा नहीं होता है, वो सब उसमें इक्विपमेंट्स और ये सब बहुत भारी भारी चीजें लगती हैं, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। तो दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करना चाहिए, अदानी को और JSW इंफ्रा को, गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ बिजनेस। इसलिए आपको दोनों के वैल्यूएशन में बड़ा फर्क हमेशा दिखेगा।